रोड पर हमेशा अनसर्टेनिटी बनी रहती है क्योंकि लोग ट्रैफिक रूल फॉलो नहीं करते हैं और कई बार स्कैम करने की भी कोशिश करी जाती है। रिसेंटली चैनल पर आप काफ़ी सारे वीडियोस देख चुके हैं जो डैश कैम की इंपॉर्टेंस बताते हैं और कई सारे स्कैमर भी डैश कैम सामने लाया है। तो किसी भी तरह की अनहोनी से बचने के लिए कार में डैश कैम का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। आज आप एक ऐसा ही वीडियो देखेंगे जहां सड़क पर गाड़ी रोकने के बाद एक आदमी ना सिर्फ गाड़ी के आगे आकर खड़ा हो जाता है बल्कि गाड़ी का नुकसान भी करना शुरू कर देता है। ये वीडियो पाकिस्तान का समझ आता है और देख सकते हैं कि पाकिस्तान में भी अब लोग कार में डैश कैम का इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। वीडियो कासिम मुन्ना फेसबुक पेज ने शेयर किया था जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा एंड क्रेडिट टू कार ओनर जिनके डैश कैम में ये इंसिडेंस रिकॉर्ड हुआ। तो वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे विंडो वाइपर को यहाँ एक आदमी पकड़ कर खड़े हो जाता है और फिर कार ओनर को नीचे उतरना पड़ता है उसे वहां से हटाने के लिए। किसी तरह इस आदमी को कार ओनर गाड़ी से हटाता है पर ये इंसान कुछ अलग ही मेंटल स्टेट में नजर आता है और सामने से आ रहे दो लड़कों को थप्पड़ मार देता है। आगे आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ बच्चे भी बोले कि इन सब में मुझे क्यों तोड़ा। मोस्ट लाइकली यहाँ ये पर्सन मेंटली अनस्टेबल था जो इस तरह की हरकत सड़क पर कर रहा था और अगर कुछ गलत भी यहाँ हो जाता तो प्रूफ के लिए कार ओनर के पास यहाँ पूरी फुटेज मौजूद थी और इसीलिए कार में डैश कैम का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है बिकॉज इस तरह के इंसिडेंट्स सड़क पर काफ़ी आम हो चुके हैं और कई सारे लोग आपसे ये सब करके पैसे भी लूटने की कोशिश करते हैं। आपका इस इंसिडेंट्स के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। चलता हूँ मैं, मिलूंगा आपसे जल्दी एक नए वीडियो के साथ। टिल दैट टाइम दिस मी साइनिंग ऑफ। जय हिंद।